इन दिस मॉड्यूल डिस्क्राइब देंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाउ नो मैटर वट टाइप ऑफ ईआरपी सिस्टम यू आर यूजिंग अगर आप इंडस्ट्री और करंट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे तो इट वुल बी डिफिकल्ट क्यू इस वजह से वेन यू हैव टू रिपोर्ट टू एक्सटर्नल एजेंसीज और ऑडिटर्स तो दे विल आस्क यू कि क्या आप वो प्रैक्टिस और क्या टेक्नीक और मैथड आप यूज कर रहे हैं जिसकी बेस पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को तो इस मॉड्यूल में हम रिव्यू करते हैं वो कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो कंपनीज़ को कंसिडर करने चाहिए वाइल स्टोरिंग मैनेजिंग ऑल दी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन इज दबेन्स ऑक्सली एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टू इन मॉडर्न ईआरपी सिस्टम जो भी प्रैक्टिस या जो भी मैथड सजेस्ट किए गए हैं इसके अंदर वो सारे इजिली एप्लीकेबल होते हैं जो भी आप ईआरपी सिस्टम यूज कर रहे हैं अब ये एक्ट है क्या इट इज एन एक्ट दैट वॉज पासड बायूएस कांग्रेस इन टू थाउजेंड टू टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग एक्टिविटीज बाय द दपोरेशन अब एक चीज आप नोट करें कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कैसे हो सकती हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज इस तरीके से हो सकती हैं कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है या तो आप उसको मैनेज ना करें या उस डेटे को चेंज करें जब आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली यू बी रिपोर्टिंग द डेटा विच यू वॉन्ट वो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूजिंग द सिस्टम लेकिन इफ दे हैव टू फॉलो दिस एक्ट तो डेफिनेटली दे हैव टू मेक श्योर कि जो भी सजेशन उन्होंने दी है उसको फॉलो करना चाहिए इट इज एन एक्ट दैट वॉज डिजाइन टू प्रीवेंट फ्रॉड एंड अब्यूज उसका सबसे बड़ी रीजन ये है कि जनरली इन मोस्ट ऑफ द टाइम दे सजेस्ट और द इन्वेस्टर सजेस्ट कि वी नीड ए सिस्टम नो मैटर ए कस्टमाइज ईआरपी सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स और एस और ओपन सोर्स ईआरपी सिस्टम टू मेक श्योर देर इज ए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी अब फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब एक कॉमन डेटाबेस या कॉमन प्लेस पे डेटा स्टोर हो जो भी डेटा जनरेट हो रहा है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जब वो कॉमन डेटा बेस पे स्टोर होगा उसके साथ साथ अगर एक्सेस टू द सिस्टम डिफाइन हुआ हुआ है और उसके साथ साथ लिमिट सेट हुई हुई हैं, और उसके साथ साथ जो मॉनिटरिंग मैकेजम वो भी उसके साथ अटैच है तो इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अब्यूज द सिस्टम क्योंकि अगर आप कोई डेटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो रहा है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड कब चेंज हुआ किसने चेंज किया किसने क्रिएट किया किसने डिलीट किया किसने अपडेट किया तो वो सारी इंफॉर्मेशन जब अटैच होगी तो फ्रॉडल एक्टिविटीज बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाएंगी इट इज डिजाइन टू एनकरेज टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी इन फर्म्स दैट आर पब्लिकली ट्रेडेड इन यूनाइटेड स्टेट तो ये जनरली इन यूआरपी सिस्टम के अंदर जनरली सजेस्ट किया जाता है कि आप जो भी सजेशन या मेथड्स अवेलेबल हैं इस एक्ट के अंदर उनको अप्लाई करें इन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर के इन्वेस्टर्स को या जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता लगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल उसके साथ साथ अनदर ट्रेंड विच इज गेटिंग पॉपुलरिटी इज द यूज ऑफ एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज एक्स बी आर एल स्टैंडर्ड बेस लैंग्वेज इन मेजोरिटी ऑफ दरपी सिस्टम वो सिस्टम अलाउ करते हैं एक्स बी आर एल को अब यह है क्या इट इज कोडेड डेटा डायरेक्टली फ्रॉम वेब पेज इन टू डेटा बेसिस तो दिस विल हेल्प यू टू कोड द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम दैब पेज इन टू ए डेटा बेस अगर आप मॉडर्न ईआरपी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी डेटा कैप्चर हो रहा है वेबसाइट से या विद इन द कंपनी अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है तो वो डेटा डायरेक्टली किसी भी जगह पे अगर कैप्चर हो रहा है तो वो एक कॉमन डेटा बेस पे स्टोर हो जाएगा उसका फायदा यह होगा कि अगर किसी ने व्यू करनी है वो इंफॉर्मेशन तो दे विल बी ओनली वन प्लेस टू गो एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू दैट रिपोर्ट प्रोसेस्ड फास्टर एंड वेलीडेटेड इजी है क्योंकि एक जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है एक जगह पे डेटा मैनेज हो रहा है तो एक्सेस और वेलिडिटी uh, को चेक करना बहुत आसान और इजी तरीका है ईयरपी सिस्टम एक्सेप्ट डेटा इन एक्सएमएल एंड एक्स बी आर एल इन टू द डेटा बेसिस तो नो मैटर इफ यू यूजिंग ओपन सोर्स ईआरपी, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स और एस वो सारे सपोर्ट करते हैं एक्सएमएल को और एक्स को